ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के भूगोल के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान यानी कि राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में हम राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि तथा राजस्थान में जनसंख्या के वितरण का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व का अध्ययन करेंगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनसंख्या घनत्व है क्या। तो किसी भी देश, प्रदेश या राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र एवं उस प्रदेश की कुल जनसंख्या के अनुपात को सामान्य रूप से जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और इस जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में व्यक्त करते हैं। यह प्रति इकाई किलोमीटर भी हो सकती है या मील भी हो सकती है। भारत में जब हम जनसंख्या के घनत्व की बात करते हैं तो इकाई के रूप में प्रति वर्ग किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम इसे और देखें विस्तार से तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और यदि इसी डेफिनेशन को हम यदि और विस्तार रूप दें तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वह 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व है, जबकि 2011 में ही भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व था वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इस प्रकार से देश की तुलना में राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वह काफ़ी कम, यानी कि लगभग आधा कह सकते हैं, 182 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अंक कम कह सकते हैं, 182 अंक कम है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भारत की तुलना में। जो हम ये कह रहे हैं जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या को, तो इसे हम सामान्य रूप से अंक गणितीय जनसंख्या घनत्व या अरिथमेटिक डेंसिटी भी कहते हैं। और इस अंक गणितीय जनसंख्या घनत्व है वह किसी भी देश के कुल क्षेत्रफल और उस देश या प्रदेश या राज्य में निवास करने वाली कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जब हम भाग उसकी कुल जनसंख्या में देते हैं और जो हमें भागफल प्राप्त होता है वह राजस्थान का या किसी भी क्षेत्र का कुल जनसंख्या या औसत जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो जनसंख्या घनत्व है यह किसी प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की औसत संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी कि इसके द्वारा हम प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति, कितने लोग निवास करते हैं उसकी औसत संख्या का हमें ज्ञान होता है। हम यह नहीं कह सकते कि सब जगह जनसंख्या है वो समान रूप से वितरित है, यह नहीं कह सकते, बल्कि यह एक औसत संख्या का बोध कराता है कि इस क्षेत्र में, इस विशेष क्षेत्र में जो जनसंख्या का घनत्व है वह यह है। कुछ क्षेत्रों में अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यह औसत संख्या का बोध कराता है। इसके अलावा जो जनसंख्या का घनत्व है, यह जनसंख्या का जो घनत्व है यह भूमि पर जनसंख्या के दबाव को प्रदर्शित करता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में क्षेत्रफल की तुलना में कितनी जनसंख्या निवासरत है, इस जनसंख्या घनत्व के द्वारा उस क्षेत्र में हम भूमि पर जनसंख्या के दबाव को ज्ञात कर सकते हैं। और इसके आधार पर हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक जो संसाधन उपलब्ध है इन प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में, अनुपात में, वहाँ पर
जनसंख्या की अधिकता है या जनसंख्या की अल्पता है, इसका हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं जनसंख्या घनत्व के माध्यम से। इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व सांख्यिकीय का एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है, मुख्य रूप से जनांकिकी का एक मुख्य बिंदु हम कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या के दबाव को ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि जनसंख्या घनत्व कई प्रकार के होते हैं और वो अलग अलग उद्देश्य के तहत उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ हम विशेष रूप से अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम यदि बात करते हैं कि राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है, वह जनसंख्या घनत्व 1901 से लेकर के 2011 तक किस रूप से इसमें बदलाव हुआ है और देश के औसत जनसंख्या घनत्व से राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व किस प्रकार का रहा है, इस टेबल के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जैसे 1901 में जो राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व था वह 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और यही जनसंख्या घनत्व 2011 में बढ़कर के 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। यानी कि 1901 से लेकर के 2011 की अवधि के बीच में राजस्थान के औसत जनसंख्या घनत्व में 170 अंकों की वृद्धि हुई है। यदि हम भारत की इसकी तुलना करें, राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की तुलना भारत से करें, तो शुरू से लेकर के 1901 से लेकर के 211 तक राजस्थान का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वह देश के औसत जनसंख्या घनत्व से लगातार कम रहा है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व इतना कम क्यों रहा है और जो भी कारण है इसका हम आगे जा कर के डिस्कस करेंगे कि आखिर राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वह कम क्यों है। इसका मुख्य जो कारण है वो पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल है जो राजस्थान के 61% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ मात्र राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा अरावली पहाड़ी क्षेत्र है। ये कुल मिलाकर के बहुत सारे जलवायु, भू आकृति से संबंधित जल की उपलब्धता, वर्षा इत्यादि, ये ऐसे फैक्टर है जिस वजह से राजस्थान का जो औसत जनसंख्या घनत्व है यह देश के औसत जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम है। एक एक करके आप देख सकते हैं 1901, 11, 21, 1931, 1941, 51 और 2011 तक किस तरह से राजस्थान का जनसंख्या घनत्व रहा है और किस तरह से भारत का औसत जनसंख्या घनत्व रहा है, ये इस टेबल के माध्यम से आप आसानी से जान सकते हैं। अब यदि हम पहले मैं आपको बता चुका हूं कि राजस्थान का जो औसत जनसंख्या घनत्व है ये देश के औसत जनसंख्या घनत्व से लगभग आधा यानी कि 182 अंक कम है और इस कमी का मुख्य कारण क्या हो सकता है कि देश की तुलना में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व इतना कम क्यों है, इसका मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। फिर भी इसका मुख्य कारण है ये राजस्थान में 61% भाग पर थार मरुस्थल का विस्तार है और इसी थार मरुस्थल में शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु दशाएं होने के कारण और साथ साथ में यहाँ पर बालू का स्तूपों का विस्तार होने के साथ साथ यहाँ वर्षा भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। राजस्थान के इसी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में जो वर्षा का औसत है यह 10 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। इन सभी कारणों की वजह से कुल मिलाकर के राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व कम है और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में जो जनसंख्या का घनत्व है इस जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम यहाँ पर जन अल्पता का अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के भूमि की तुलना में जनसंख्या का जो घनत्व है वह कम है। हालांकि इसका एक दूसरा फैक्ट यह भी है कि जिस तरह से राजस्थान का जो थार मरुस्थल है इस थार मरुस्थल का भारत के अनुपात में तो जनसंख्या घनत्व कम है, लेकिन यदि हम इसकी तुलना विश्व के अन्य मरुस्थलों से करें, उष्ण मरुस्थलों से करें, तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है वह विश्व के अन्य उष्ण मरुस्थलों की तुलना में बहुत अधिक है। 2000
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जो 12 मरुस्थलीय ज़िले हैं, जिसका हम इससे पहले की वीडियो में जान चुके हैं कि कौन से राजस्थान के 12 मरुस्थलीय ज़िले हैं और आगे भी हम इसका अध्ययन कर लेंगे, इन 12 मरुस्थलीय ज़िलों का जो औसत जनसंख्या घनत्व है यह 174 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी थार मरुस्थलीय हिस्सा है राजस्थान का, उसका औसत जनसंख्या घनत्व 174 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 1901 से 2011 की अवधि में जो राजस्थान का जो औसत जनसंख्या घनत्व में पहले ही बता चुका हूँ 170 अंकों की वृद्धि हुई है। जबकि यहाँ एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि अब तक ऐसा कौन सा दशक रहा है जिसमें राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा अंकों की वृद्धि दर्ज की है, तो वह दशक है 1991 से 2001 के मध्य का दशक, जिसमें 36 अंकों की वृद्धि हुई है जो अब तक की सर्वाधिक है। और यदि हम 2001-2011 की बात करें तो इस दशक में राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में 35 अंकों की वृद्धि हुई है। यानी कि 2001 में जो राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व था वो 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2011 में यह बढ़ करके 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुआ। इस प्रकार से 2001-2011 के दशक में राजस्थान के औसत जनसंख्या घनत्व में 35 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम इस मानचित्र के माध्यम से यह देख सकते हैं कि राजस्थान का जो औसत जनसंख्या घनत्व, जिलेवार जनसंख्या घनत्व, वो किस तरह का है। यहाँ इस मानचित्र के माध्यम से, कोरोप्लेट मानचित्र के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि मुख्यतः अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में जो राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व है यह राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम है। राज्य का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वह 200 व्यक्ति पर किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के पश्चिम में स्थित 12 जिलों में से 10 जिले ऐसे हैं, सीकर और झुंझुनू को छोड़ दिया जाए, इन दोनों मरुस्थलीय जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 10 जिले हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर, इन जिलों का जो जनसंख्या घनत्व है वह राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम है। इसके अलावा यदि हम और देखें तो राजस्थान के जो पश्चिम में स्थित जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है वह 100 से भी कम है। इसी प्रकार से राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल में स्थित झुंझुनू और सीकर, 2 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, राजस्थान के औसत जनसंख्या घनत्व से भी ज़्यादा है। झुंझुनू का 361 है, जबकि सीकर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अधिक जनसंख्या घनत्व का, तो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में, विशेष रूप से जो पूर्व का उपजाऊ मैदान है जिसमें हम जयपुर, दौसा, भरतपुर और अलवर, करौली, धौलपुर, इनको यदि हम शामिल करें तो यहाँ का जो जनसंख्या, सवाईमाधोपुर, यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। और ये पूर्वी मैदान राजस्थान का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ जनाधिक्य सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी इसी भाग में है जयपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व 595 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर आता है भरतपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और तीसरे नंबर पर आता है दौसा, जिसका जनसंख्या घनत्व 476 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा यदि हम राजस्थान के जो अरावली पर्वतीय हिस्सों की बात करें, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन समस्त जिलों की यदि हम बात करें तो इन जिलों का जनसंख्या घनत्व भी अपेक्षाकृत अधिक है। साथ ही राजस्थान का जो हाड़ौती का पठार का हिस्सा है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के जिलों को मुख्य रूप से हम शामिल करते हैं, तो इनका जनसंख्या घनत्व भी, यहाँ पर पानी की उपलब्धता, उद्योगों का विकास,
प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और कोटा जैसे शिक्षा के अब के कारण यहाँ का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वह भी अपेक्षाकृत अधिक है और कोटा का तो जनसंख्या घनत्व 374 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से इस मानचित्र के द्वारा हम ओवरऑल ये जान सकते हैं कि राजस्थान में जो जनसंख्या का घनत्व है वो उसमें कितनी असमानता है, यानी कि एक तरफ पश्चिम का भाग है जहाँ पर जन अल्पता है और दूसरी तरफ राजस्थान का जो पूर्व का मैदान उपजाऊ मैदान है वहाँ जन की अधिकता है। ये मानचित्र इसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं। इसके अलावा यदि हम जो पिछला जो हमने मानचित्र देखा था और उस मानचित्र में प्रत्येक जिले की जनसंख्या घनत्व को भी प्रदर्शित किया गया साथ साथ में, तो राजस्थान के 15 जो जिले हैं उन जिलों का जो औसत जनसंख्या घनत्व है ये राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में कम है। और यदि शेष जो 18 जिले हैं उन जिलों का जो जनसंख्या घनत्व है वह राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व की तुलना में अधिक है। अब यदि हम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के वितरण की बात करें या तो राज्य का जो जनसंख्या का घनत्व है वह पूर्व दक्षिण पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे जनसंख्या का घनत्व कम होता जाता है और जब हम जैसलमेर पहुंचते हैं तो जनसंख्या का घनत्व राजस्थान का सबसे न्यूनतम हो जाता है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इस प्रकार से यदि हम राजस्थान में जनसंख्या के वितरण का मानचित्र और साथ साथ में यदि हम वर्षा के वितरण के मानचित्र का ओवरलैपिंग करें यानी एक दूसरे के ऊपर रखें तो आप पाएंगे कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण या जनसंख्या का घनत्व और वर्षा का वितरण में काफ़ी समानता पाई जाती है। जिस तरह से वर्षा राज्य के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में ज़्यादा होती है, जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जनसंख्या वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। उसी तरीके से राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व है वह पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग से पश्चिम की ओर कम होता जाता है। राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं ये 5ों जिले राज्य के पूर्वी भाग में उपजाऊ मैदान के हिस्से हैं, जिसमें जयपुर सबसे ज़्यादा है 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438 और धौलपुर 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। और इसके अलावा राज्य के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं 5 जिले। ये 5ों जिले राजस्थान के थार मरुस्थल के हिस्से हैं, जैसे कि जैसलमेर में 17 व्यक्ति है, बीकानेर में 78 व्यक्ति है, बाड़मेर में 92 व्यक्ति है, चूरू में 147 व्यक्ति और जोधपुर में 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से पूर्वी और पश्चिमी भाग में जो जनसंख्या का घनत्व के वितरण में इतनी असमानता है इसके पीछे भी जलवायु, जल की उपलब्धता, स्थलाकृति, औद्योगिक विकास इत्यादि कारण रहे हैं, जिस वजह से ये जनसंख्या के घनत्व में इतना वेरिएशन पाया जाता है पश्चिमी और पूर्वी भाग में। इस प्रकार राजस्थान के जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं वो पूर्वी मैदान के हिस्से हैं, जबकि न्यूनतम जनसंख्या डेंसिटी वाले जो जिले हैं वो राजस्थान के पश्चिम में स्थित उष्ण शुष्क थार मरुस्थल के भाग हैं। अब हम राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व का प्रादेशिक अध्ययन करें तो जिस तरह से हम राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं उन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों के आधार पर हम राजस्थान के जनसंख्या घनत्व का अध्ययन भी करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं राजस्थान के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र का, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन करें। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व की तुलना में बहुत कम है। और इसके पीछे के जो प्रमुख कारण है वह ये कि यहाँ की जलवायु की बहुत विषमता है, यहाँ उष्ण और शुष्क जलवायु पाई जाती है जो मानव अधिवास के लिए इतनी उपयुक्त नहीं है, यहाँ वर्षा की मात्रा कम है, रेतीली मिट्टी का विस्तार है, स्थानांतरित बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जल की जो उपलब्धता है वह कम है, यहाँ औद्योगिक विकास भी राज्य के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग की तुलना में
कम हुआ है। ये सभी कारण मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इन पश्चिमी भाग का जो जनसंख्या घनत्व है वह 175 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे कम है। अब यदि हम इन 12 जिलों की बात करें जो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिले में स्थित है, जिसमें मरुस्थलीय भाग में स्थित है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, पाली, जालौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर और झुंझुनू, इन सभी जिलों में से केवल मात्र 2 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक है, जिसमें सीकर का 346 और झुंझुनू का 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा बाकी सभी जो 10 जिले हैं, इन जिलों का जो जनसंख्या औसत जनसंख्या घनत्व है ये राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम है। और ये जनसंख्या घनत्व कम क्यों है इसका हम ऊपर कारण बता चुके हैं। अब हम राज्य के दूसरे प्रमुख प्रादेशिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अरावली पहाड़ी प्रदेश। इस अरावली पहाड़ी प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, पर्याप्त वार्षिक वर्षा जल की उपलब्धता और इन पहाड़ियों के बीच में स्थित उपजाऊ नदीकृत मैदान के कारण इस भाग का जो जनसंख्या घनत्व है यह अपेक्षाकृत यहाँ अधिक पाया जाता है। और इसमें कौन कौन से जिले हैं, इसमें राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और प्रतापगढ़ जिले को शामिल किया जाता है। इन 7 जिलों में से केवल मात्र एक प्रतापगढ़ जिले को छोड़ दिया जाए जिसका जनसंख्या घनत्व 172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बाकी सभी जिलों का जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व की तुलना में बहुत अधिक है। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये राजस्थान के 2 दक्षिणतम जिले हैं। यहाँ 56 के मैदान, माई के मैदान के उपजाऊ मैदानों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है और ये राज्य के आदिवासी बहुल इलाके हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसके अलावा अजमेर में भी 300 से अधिक का जनसंख्या घनत्व है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के तीसरे प्रमुख प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम आम तौर पर हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हाड़ौती के पठार का जो जनसंख्या घनत्व है ये भी अपेक्षाकृत अधिक है और इस प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का जो तुलनात्मक रूप से अधिक होने का जो मुख्य कारण है ये यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, वर्षा की पर्याप्त मात्रा, जल की यहाँ विभिन्न चंबल और उसकी सहायक नदियों की वजह से यहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, सिंचाई की सुविधा है। इसके अलावा इसी भाग में कोटा जैसे शैक्षिक नगर स्थित होने की वजह से यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है ये अधिक है। और कोटा का तो जनसंख्या घनत्व 374 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से इस हाड़ौती के पठार का जनसंख्या घनत्व भी हम अपेक्षाकृत अधिक मानते हैं। अब हम राजस्थान के चौथे प्रमुख प्रदेश का अध्ययन करेंगे और यहाँ के जनसंख्या के घनत्व किस प्रकार का है ये जानने की कोशिश करेंगे। ये राजस्थान का सबसे प्रमुख प्रदेश है और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, यह सबसे आबादी वाला भाग है यानी कि सबसे घना बसा भाग है। इस पूर्वी मैदान में अधिक जनसंख्या के बसाव का जो मुख्य कारण है वे है नदीकृत उपजाऊ मैदान, पर्याप्त वर्षा, जल की उपलब्धता, सिंचाई की सुविधा का पर्याप्त विकास होना, उद्योग का विकास, परिवहन के साधनों का विकास। इसके अलावा यहाँ की जो प्रशासनिक व ये जो क्षेत्र है ये राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र बिंदु है, जयपुर राजधानी क्षेत्र है। इन समस्त मिले जुले कारणों के प्रभाव से यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो राज्य में बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व है। इसमें जो शामिल करते हैं हम जिन जिन जिलों को शामिल कर सकते हैं उसमें जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक और भीलवाड़ा को शामिल करते हैं, जिसमें जयपुर में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है 595 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, भरतपुर में 503, दौसा में 476, अलवर में 438 और धौलपुर में 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरह से
इस पूर्वी मैदान का जो जनसंख्या का घनत्व है वो राज्य में सबसे अधिक है। अब हम संक्षिप्त में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन से कारण हैं जो राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। कुछ जिलों में या कुछ प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जबकि कुछ जैसे कि पश्चिमी भाग है राजस्थान का, मरुस्थलीय भाग, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। जलवायु, मैंने आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि जलवायु एक, अधिकतर विद्वान ऐसा मानते हैं कि जलवायु एक ऐसा फैक्टर है जो जनसंख्या के घनत्व, जनसंख्या के वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जहाँ जलवायु मानव निवास के लिए अनुकूलतम होगी, उस भाग में वह भाग हमेशा जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जहाँ की जनसंख्या उष्ण है, शुष्क है, जहाँ का तापमान ज़्यादा है, उन भागों में जनसंख्या का बसाव है वो कम होता है। इसी तरीके से जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, जहाँ का जो तापमान है वह बहुत ज़्यादा है, जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, जो मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं है, इस वजह से इस भाग का जनसंख्या घनत्व कम है। जबकि पूर्वी मैदान में जहाँ की जो जलवायु है वह मानव अधिवास के लिए भी उपयुक्त है, और यहाँ बरसात की जो मात्रा है वह भी अधिक होती है। इसी तरीके से राजस्थान के दक्षिणी भागों में भी बरसात ज़्यादा होती है, जलवायु इतनी शुष्क नहीं है, नमी युक्त है, इस वजह से यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वह कम है। उच्चावच भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख घटक है। जहाँ जो भाग मैदान है, यानी कि नदीकृत समतल मैदान है, उन भागों की जनसंख्या घनत्व राजस्थान में ज़्यादा है, चाहे वो पूर्वी मैदान हो और चाहे वो दक्षिण का जो 56 का बेसिन हो, वह भाग हो, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है ये अधिक है। जबकि जो राजस्थान का पूर्वी भाग है, यहाँ भी रेतीले टीलों के विस्तार के कारण जनसंख्या घनत्व कम है, और इसके अलावा अरावली का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इन पहाड़ी भागों में भी, पहाड़ियों के ढालों में भी जनसंख्या का घनत्व है वह कम है। जो तीसरा प्रमुख कारण है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला, वह है मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी जो मानव अधिवास को हमेशा से आकर्षित करती रही है, और उपजाऊ मिट्टी वाले भागों में सभ्यता का हमेशा से विकास होता रहा है, तो हमेशा जहाँ मिट्टी उपजाऊ है, नदीकृत है और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ निश्चित रूप से जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा। जैसे कि राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय का हिस्सा, उत्तरी भाग, गंगानगर और हनुमानगढ़, जिसे हम गग्गर का बेसिन कहते हैं, यहाँ उपजाऊ मिट्टी होने के साथ साथ पानी की उपलब्धता भी है, इसलिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। जबकि रेतीले भागयुक्त थार के मरुस्थल में यहाँ की मिट्टी की इतनी उर्वरा शक्ति कम होने की वजह से जनसंख्या घनत्व कम है। पूर्वी मैदान में मिट्टी की उर्वरता ज़्यादा होने की वजह से जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। वर्षा और जल की उपलब्धता, जहाँ वर्षा पर्याप्त है और जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ जनसंख्या का जो दबाव है वह भी अधिक है। प्राचीन सभ्यताओं के विकास से लेकर के वर्तमान तक का हम यदि अधिक करें, तो मानव को आकर्षित करने में जल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और जल के चारों ओर मानव अधिवासों का विकास हुआ है। इसलिए जहाँ जहाँ राज्य के जिन जिन भागों में जल की उपलब्धता है, उन भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, और जिन भागों में वर्षा कम होती है और जल की उपलब्धता कम है, उन भागों में जनसंख्या घनत्व कम है। पाँचवा जो प्रमुख कारण है वह प्राकृतिक संसाधन और खनन। राज्य के जिन जिन भागों में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ में यदि उन प्राकृतिक संसाधनों का खनन होता है, तो निश्चित रूप से वहाँ के चारों ओर जनसंख्या का जो घनत्व है वह भी अधिक पाया जाएगा। और जहाँ प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, जैसे कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में, और वहाँ पर केवल
तेल को छोड़ दिया जाए, प्राकृतिक तेल को छोड़ दिया जाए जो कि बाड़मेर में जिसका उत्खनन हो रहा है, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी इलाकों में राज्य के दूसरे भागों की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और उसका खनन कम होने की वजह से भी जनसंख्या घनत्व का जो है वो कम है। औद्योगिक विकास, जहाँ जहाँ औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ है क्लस्टर के रूप में, वहाँ पर जनसंख्या का दबाव भी आपको अधिक देखने को मिलेगा। राज्य के जो जो जिले औद्योगिक विकास की दृष्टि से अव्वल है, उन जिलों का जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, क्योंकि वहाँ औद्योगिक स्थायी इकाइयाँ स्थापित होने की वजह से श्रमिकों का आवागमन भी रहता है, बसाव रहता है, इस वजह से वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। और जिन भागों में उद्योगों का विकास कम हुआ है उन भागों का जनसंख्या घनत्व भी कम है। परिवहन के साधन, परिवहन एक ऐसा फैक्टर है जो मानव को क्रियाशील रखता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए सुगम करता है, मानव की गतिविधियों को सुगम करता है। इसलिए जहाँ जहाँ सड़क यातायात, रेल यातायात, वायु यातायात, ये सारे संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ निश्चित रूप से जनसंख्या का बसाव अधिक होगा और इस वजह से वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। जैसे कि राज्य के पूर्वी भाग में जयपुर के आसपास के इलाकों में, जहाँ रेल यातायात का भी पर्याप्त विकास हुआ है, सड़क यातायात का भी विकास हुआ है, वायु यातायात का भी विकास हुआ है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। पश्चिमी मरुस्थलीय भाग और पहाड़ी भागों में जहाँ इन यातायात के साधनों का विकास अधिक नहीं हुआ है, वहाँ पर मानव की जो अधिगम्यता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच की जो सुगमता है वह इतनी सुगम नहीं है, इस वजह से वहाँ जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम है। और इसके अलावा जो राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाला अन्य प्रमुख कारण है वह है पर्यटन और धार्मिक स्थल। पर्यटन और धार्मिक स्थल भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है। राजस्थान के जिन जिन भागों में पर्यटन का विकास हुआ है और धार्मिक स्थलों का विकास हुआ है, वहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं, देशी पर्यटक भी आते हैं और वहाँ अन्य कारणों से स्थानीय जनसंख्या का भी आकर्षण बना रहता है, इसलिए वहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वह अधिक है। यदि हम राजस्थान में पर्यटन के महत्व वाले शहर चित्तौड़गढ़, जिलों की नगरी उदयपुर, धार्मिक स्थलों में पुष्कर, रामदेवरा, देशनो, गोगामेडी, केला देवी, सांवलिया जी, कोलायत, नाथद्वारा, मेहंदीपुर, बालाजी, सालासर, हनुमान जी इत्यादि स्थानों को देखें तो वहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वह अधिक है, क्योंकि यहाँ आने वाले पर्यटक और स्थानीय जनसंख्या के दबाव की वजह से यह जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक है। इसके अलावा यहाँ पर्यटन अधिक होने की वजह से यह अनेक प्रकार के होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग के व्यवसाय भी विकसित हुए हैं तथा कुछ मात्रा में यहाँ व्यापार, वाणिज्य और बैंकों का भी विकास हुआ है। इन सभी कारणों की वजह से पर्यटन और धार्मिक स्थल भी जनसंख्या के घनत्व को अधिक करने में अपना योगदान देते रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो समस्त कारण है, 7-8 कारण हैं, इन समस्त मिले जुले कारकों का हम यदि समन्वयात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ जहाँ इन कारकों की अनुकूलता है वहाँ वहाँ राज्य में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है, और जहाँ जहाँ इन कारकों की प्रतिकूलता है वहाँ जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत कम है या बिल्कुल ही कम है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व को जानने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।